ये जो टॉपिक है आपका मार्केट मार्केट और प्राइस डिटरमिनेशन, मार्केट के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है और मार्केट क्या होती है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर्स एक साथ आते हैं और वो या तो कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ बेचते हैं। क्या खरीदते हैं बेचते हैं? गुड्स या फिर सर्विस, तो उसको बोलते हैं मार्केट। जैसे हम मैंगो खरीदने गए तो वहां पे गुड्स मिल रहा है। अब जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो इस तरह को बोलते इस चीज को बोलते हैं मार्केट। मार्केट जो है मेजर में चार तरह की होती है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली। इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हम एग्जांपल से करेंगे तो आपको इसके फीचर बहुत अच्छे समझ आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन क्या है इसका? देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खेती, फार्मिंग। फार्मिंग जो है परफेक्ट कंपटीशन में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके फीचर जो है इससे मैच करते हैं। पहला फीचर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कि अगर मैं बात करूं खेती की तो इंडिया में आपको पता ही है कितने ज्यादा फार्मर्स हैं, मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। यहाँ पे इतने ज्यादा खरीदार हैं और इतने ज्यादा सेलर्स हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सेलर्स हैं जो अपना मान लो कनक है, तो वीट जो है इंडिया में बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, तो इंडिया में बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर्स हैं। तो इसका पहला फीचर होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, जहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स हो, खरीदार भी बहुत ज्यादा हो, बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हो, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा होता है, इसकी पहचान होती है होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं मान लो पंजाब का कोई फार्मर लेता हूँ किसान, तो यहाँ पे जो वो वीट पैदा करेगा या फिर बेज मक्का पैदा करेगा या फिर चावल पैदा करे मान लो राइस, और वही सेम जो है यूपी का या बिहार का या बंगाल का या उत्तराखंड का किसान पैदा करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, मतलब कि आप जो है पंजाब की कनक लो और यूपी की कनक लो, दोनों को मिक्स कर लो तो आप अंतर नहीं बता सकते कि ये पंजाब की कनक है या फिर ये यूपी मध्य प्रदेश की कनक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। आज अगर कोई किसान सोचे कि मैं खेती शुरू करूंगा तो कर लो, अगर अगर कल को वो सोचे कि नहीं मैंने तो ये बंद कर देना है तो वो बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, कोई आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। नेक्स्ट है आपकी परफेक्ट नॉलेज। इस बिजनेस को करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए, मतलब खेती को हर बंदा खेती नहीं कर सकता, उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से खेती करते हैं, किस किस सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है, नॉलेज भी होनी चाहिए। अब देखो इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है आपका फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। जो फर्म होती है मतलब जो किसान होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। कभी भी कोई भी किसान ये नहीं कहता कि मेरी कनक है तो मैं इसको 20 रुपए किलो बेचूंगा, या यूपी का किसान बोले मैं इसको 25। ये जो फर्म होती है परफेक्ट कंपटीशन, ये जो है प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। अब देखो आप जो है आशीर्वाद कंपनी का आटा ले लो, 35 रुपए किलो बिक रहा है। पूजन का ले लो, 30 35 35 40 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है, लेकिन कनक कितने रुपए बिक रही है? वीट 16 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसान प्राइस टेकर होता है, वो प्राइस नहीं बना सकता। किसान जो है किसी भी चीज का प्राइस नहीं बनाता है, सरकार उसको डिसाइड करती है या फिर मार्केट डिसाइड करती है, उसे अपना माल जो है प्राइस जो है वो अपने टेकर लेवल पे बेचना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। अब हम मार्केट में जाते हैं, सेब लेने जाते हैं, उसको पूछो भैया कितने रुपए किलो है, बोलेगा ये 100 रुपए किलो है, ये 150 रुपए किलो है। इसका मतलब क्या हुआ? जो 150 रुपए किलो है उस पर स्टिकर लगा देता है कि ये जो है ब्रांडेड है, ये कश्मीरी है, ये ऐसा है वैसा है। तो वो क्या कर रहा है, सेम सेब को रात को बैठ के स्टिकर चिपका रहा होता है और अपने प्रोडक्ट को दिखा रहा होता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है हेटरोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, ये सेब अलग है, ये सेब अलग है। लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, तो वो जो है प्राइस टेकर होता है, वो प्राइस जो है डिसाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट होता है इसका जो फीचर होता है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का, मतलब जो इसका एवरेज रेवेन्यू होता है खेती का, फार्मिंग का, वो इसके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो
इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी किसी किसान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। सेवेंथ फीचर है इसका परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि वो जो है मोबाइल होते हैं, मोबाइल मतलब चलते फिरते। मैंने इस साल सोचा आज इस साल मेरी खेती बहुत अच्छी हो गई, बारिश ही नहीं हुई। जब पानी नहीं पड़ा वर्षा का तो खेती खराब हो जाएगी, या फिर ओले पड़ गए, या फिर जंगली जानवरों ने फसल खराब कर दी, या फिर बीज खराब निकल गया, या फिर खाद खराब निकल गई, या फिर जो पेस्टिसाइड मैंने खेत में डाले वो उससे फसल खराब हो गई। बहुत सारे फीचर हो रहे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जिससे कि वो प्रोडक्शन डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अफेक्ट करती है बिजनेस को, परफेक्ट कंपटीशन को। और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट जो है एब्सेंस होती है इसमें प्राइस टेकर की वजह से होता है। तो अब आप फीचर देख के समझ ही गए होंगे कि इस मार्केट का जो सबसे अच्छा आपका कंपटीशन है वो है परफेक्ट कंपटीशन। इसीलिए खेती में किसान को कभी फायदा नहीं होता है, क्योंकि खेती जो है किस कंपटीशन के अंदर आती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा हैं और सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो वो है डिमांड को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कोई एक किसान चाहे कि मैं इस साल खेती बंद कर दूंगा तो वो पूरे इंडिया की डिमांड नहीं चेंज कर सकता। या कोई किसान सोचे कि मैं इस साल कनक पैदा करूंगा या फिर मैं कोई और फसल करूंगा, तो उससे डिमांड पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक किसान बहुत कम प्रोड्यूस करता है उससे पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट आते हैं मोनोपोली पे। मोनो मीन्स होता है वन, पोली मीन्स होता है फर्म। जब एक फर्म होती है तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका इंडियन रेलवे। देश में केवल एक ही कंपनी है जो रेलवे चलाती है, इंडियन रेलवे। या फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, जैसे पंजाब में है PSPCL, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केवल एक ही संस्था है जो बिजली बेचती है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, UPPCL। या उत्तराखंड की बात करूँ तो इस तरह से वहां पे हर जगह एक एक संस्था है जो बिजली बेचती है। तो इसका पहला जो फीचर है सिंगल सेलर ऑफ ए कॉमोडिटी, एक ही फर्म होगी जो अपना माल बेचेगी। दूसरी एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका क्लोज कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं। अगर मैं आज सोचूं कि मैं पंजाब में आज बिजली नहीं लूंगा तो कोई और है ही नहीं जिससे मैं बिजली ले लूं, किससे बिजली लूंगा, कोई है और कोई है ही नहीं यहाँ पे जो बिजली देता हो। तीसरा इसका फीचर होता है डिफिकल्टी ऑफ एंट्री और न्यू फर्म। जो मोनोपोली मार्केट होती है इसमें एंट्री जो है डिफिकल्ट होती है। अगर आज पंजाब में कोई सोचे कि कोई और मैं बिजली बेचूंगा तो बेच ही नहीं सकता, सरकार लाइसेंस नहीं देगी। या फिर पूरे पंजाब के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क लगाना है, इतने सारे ट्रांसफार्मर लगाना है, इतनी सारी बिजली लगाना है, या भारत के पूरे के अंदर कोई सोचे कि मैं इंडियन रेलवे चलाऊंगा, अपनी चलाऊंगा, तो इतनी सारी जमीन को लीज पे लेना अब कोई देगा नहीं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, इतने सारे रेलवे स्टेशन बिल्ड करना, डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म डिफिकल्टी है। निगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, इसमें जो है स्लोप की जो डिमांड कर्व है वो निगेटिव होती है, मतलब एवरेज रिवेन्यू हमेशा मार्जिन रिवेन्यू से ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या था, पिछली फर्म में एवरेज रिवेन्यू मार्जिन रिवेन्यू के बराबर था, यहाँ पे ज्यादा होता है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, जैसे एक ही फर्म है भाई तो वो तो जितना मर्जी ले देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, एक ही फर्म है और कोई है ही नहीं। अगर जब और कोई मालगाड़ी या रेलगाड़ी चला रहा होता तब तो हम उससे कहते कि भैया नहीं, तुम्हारी टिकट 300 की, हम तुमसे 250 की लेंगे, बार्गेनिंग होगी। जब यहाँ तो एक ही संस्था ही बेचने वाली है तो बार्गेनिंग क्या होगी, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट। इसकी सबसे बड़ी जो होती है बात वो होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, प्राइस में भेदभाव होता है। जैसे कोई बड़ी संस्था है उसको वो बिजली सस्ते में दे देंगे, हाउस होल्ड को महंगे में देते हैं, या कोई बड़ा उनका अपना बिजनेसमैन है उसको सस्ते में दे देंगे। इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, आपको अलग अलग रेट पे अलग अलग बिजली आपको मिलेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसमें जो है प्रॉफिट जो है एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल का मतलब होता है जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है लेकिन उसमें आपका उतना पैसा आ जा रहा है जिससे कि आप अपना एम्प्लॉय की सैलरी या अपने खर्चे निकाल सको, उसको बोलते हैं नॉर्मल।
इसमें जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट लाई करता है। तो इस तरह की फर्म को बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। तीसरी आपकी फर्म आती है जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोलिस्टिक फर्म क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट में क्या था, अनलिमिटेड बेचने वाले हैं, अनलिमिटेड खरीदने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी खरीदने बेचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की तुलना में थोड़े कम होते हैं। इनका प्रोडक्ट जो है थोड़ा डिफरेंशिएट होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है, सेलिंग कॉस्ट जो है मैटर करती है यहाँ पे, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पे हर किसी को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है इसमें, और तीसरा होता है पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। इसका जो एग्जाम्पल है आपकी, आप जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, मैगी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नूडल्स का। बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं, सेलर बहुत लोग नूडल बना के बेचते हैं। प्रोडक्ट हर किसी का अपना अपना प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएट होता है, फ्रीडम होती है, आज बेचो कल मत बेचो, सेलिंग कॉस्ट मैटर करती है, लेक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। थोड़ा थोड़ा तो होता है, जैसे कि आप बीच में हम देख रहे थे कि यप्पी वाले नूडल जो है 10 का था कर दिया था, तो मैगी का 12 का था, उन्होंने पहले 11 किया, अभी दोनों का 10-10 हो गया। या आप इसमें गाड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो जैसे मर्सिडीज है, ऑडी है, बहुत सारी है, मारुति है, बहुत सारी गाड़ियां बनती हैं, तो गाड़ी का भी इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं। जो आपकी लास्ट मार्केट है वो है आपकी ओलिगोपॉली। ओलिगो मतलब होता है फ्यू और पॉली मीन्स होता है फर्म। जब फ्यू फर्म होती है तो उसको, उस मार्केट को बोलते हैं ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली मार्केट। इसका अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो आपके दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बीवरेज में ले सकते हैं आप पेप्सी और कोको कोला। इसको समझते हैं, फ्यू डोमिनेट फर्म हु आर लार्ज इन साइज। आप देख लो इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर मोस्ट ऑफ दो ही बीवरेज कंपनी है, एक पेप्सी और कोको कोला। अब आप इसका डोमिनेंस देख सकते हैं लार्ज इन साइज, कोको कोला पेप्सी का साइज इतना बड़ा है कि इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोको कोला पेप्सी बिकता है और कोई है ही नहीं। दूसरा इसका फीचर होता है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब हुआ, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाएगी तो जो सारी की सारी डिमांड है वो दूसरी पर शिफ्ट हो जाएगी। कभी भी आप देखना जितने रेट पे कोको कोला आएगी उतने ही रेट पे पेप्सी मिल रही होगी, या 10 रुपए की पेप्सी जितने की आएगी उतने का ही 10 रुपए का कोको कोला आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ये प्राइस को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती हैं। इसमें जो है प्राइस रिजिडिटी होती है, क्योंकि अगर जो है कोको कोला मान लो 10 रुपए की कोको कोला के लिए 11 रुपए चार्ज करती है, तो क्या होगा, सारी की सारी डिमांड जो है आपकी किस पर शिफ्ट हो जाएगी, पेप्सी पे। और अगर पेप्सी ऐसा करती है तो सारी की सारी डिमांड किस पर शिफ्ट हो जाएगी, कोको कोला पे। चलो ये तो बात हो गई इंक्रीज की, अब मैं आ जाता हूँ डिक्रीज की। डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोको कोला मान लो 10 रुपए की बिक रही है, उसने अपना प्राइस 9 रुपए किया, 9 रुपए किया तो सारी डिमांड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, कोको कोला पे। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि जब उसकी कोको कोला 10 रुपए की बिक रही है तो 9 की क्यों बेचेगा, जब उसकी मान लो पेप्सी घटाए 10 रुपए की 9 रुपए में बेचे तो डिमांड तो पेप्सी पे शिफ्ट होगी, ऑब्वियस ही बात है कि डिमांड बढ़ेगी। तो लेकिन जब उसकी 10 की बिक रही है तो 9 की क्यों बेचेगा। तो इसमें दो फीचर जो है एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, एक आपका म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और दूसरा प्राइस रिजिडिटी। तो फिर ये क्या करते हैं, अगर ये प्राइस डिपेंड है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, तो ये सब जो है डिपेंड होते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। आप देखो आईपीएल में देखो एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, वर्ल्ड कप में देखो, टीवी पे देखो, ये लोग एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, कोको कोला पेप्सी वाले एग्रेसिव मार्केटिंग मार्केटिंग टीवी में जबरदस्त ऐड दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को दे देते हैं, एडवर्टाइजमेंट जबरदस्त दिखाते हैं, रीजनल एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पंजाब है तो उसमें दिलजीत दोसांझ को एडवर्टाइजमेंट दे दी, कोई रीजनल हीरो है उसको एडवर्टाइजमेंट दे दी, हॉलीवुड का है बॉलीवुड का है रीजनल एडवर्टाइजमेंट दे दी। कभी कोई और मतलब टाइम हो रहा है नई मूवी आ रही है तो उस सेलिब्रिटी को दे देते हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये लोग, यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बैरियर टू एंट्री, भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? अब जैसे हमारे फगवाड़ा में एक है लवली, लवली करके कोल्ड ड्रिंक बिकती है, तो जो मान लो अभी 70-80 रुपए की 2 लीटर की आती है कोको कोला की बोतल बड़ी वाली, इनकी जो है 40 या 50 की मिल जाती है। यहाँ पे लवली लोकल ही बिकती है हमारे यहाँ फगवाड़ा में, तो टेस्ट बहुत खराब होता है वो टेस्ट नहीं आता, लोकल पे बिक रही है ठीक है लेकिन टेस्ट नहीं होता है, तो बैरियर एंट्री भी होती है इसमें। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएट भी होता है। आप होमोजीनियस प्रोडक्ट देख सकते हैं इसका या फिर डिफरेंशिएट। अब कोको कोला ने तो बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए, माजा बना दिए और लिम्का बना दिए, बहुत सारे बना दिए, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट कर दिए मार्केट में, क्योंकि प्राइस पे डिपेंड नहीं ज़्यादा कर पाते हैं इसलिए। तो ये चार मेन मार्केट होते हैं, एक और प्योर कंपटीशन लिखी है इसमें, ये ज़्यादा नहीं आती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एग्जिट होती है, ये डिपेंड नहीं करती है। तो नेक्स्ट इसमें और फीचर लिखे हुए हैं, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, जिस पर माल बिकता है सेलिंग कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब अलग अलग रेट पर अलग अलग माल बेचा जाता है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको। पेटेंट राइट क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपना एक्सक्लूसिव राइट्स ले लेते हैं, पेटेंट राइट होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब अलग अलग चीज़ का अलग अलग दाम हो, अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग रेट पर चीज़ें बेची जाए तो उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, पहला पढ़ा हमने डिमांड के बारे में, उनके फीचर के बारे में, और कौन कौन से गुड्स मार्केट में होते हैं, किस तरह से होते हैं, और मार्केट में किस तरह कितने तरह की मार्केट होती है। तो आज हमने ये दो चीज़ें पढ़ी, एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नोट्स में आपको अपलोड कर दूंगा, एक बार आप रिवीजन कर लेना, और थोड़ा सोचने का तरीका एक आईएएस लेवल का आपको बनाना चाहिए, कि एक आपको हमेशा ऐसे सोचना चाहिए जैसे एक आईएएस ऑफिसर सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ना कि हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करना है। तो ज़्यादा अपना ये सब बदल के आईएएस की तैयारी अच्छे से करो।